बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम। मैं सरोज कफील। एरिक योन जिन्होंने जूम बनाया है, स्टैनली जिन्होंने मार्वल यूनिवर्स क्रिएट की, या केंटकीज फ्राइड चिकन की बात कर लें, इन सब में एक चीज कॉमन थी। ये सारे फाउंडर्स, इन्होंने अपना करियर जो है 40 साल के बाद स्टार्ट किया। दे एक्चुअली प्रूव दैट एज इज जस्ट अ नंबर। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे सेल्फ टॉट पेंटर है जिन्होंने अपना करियर 40 के बाद स्टार्ट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार वानी की। चलिए मुलाकात करें। जिसका कोई पैशन हो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। कश्मीर को लाता था अपने वहां, खुद में इसमें काफी प्लेजर हासिल करता था। ये तो एक गजा है रूह की। आई कैन नॉट डू अवे विदाउट इट। से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हमें ये बताएं कि आप एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं आप लोगों को, आर्ट कैसे हो आपकी लाइफ में? मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। क्या बात है। सबसे पहले सरोज साहब और आपका बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आप हर दिल अजीज मेज़बान एंकर पर्सन हैं यहाँ, और हम आपके प्रोग्राम भी देखते हैं, तो मेरे लिए बात से फ़ख्र है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो मेरा जो ऑफर है ऑफिशियली, मैं 2012 से मैंने पेंटिंग्स करना शुरू किया जी, जी। लेकिन और वो लेट था मेरे एज के हिसाब से, लेकिन मुझे शौक़, जैसे क्लीशे सा है लेकिन मुझे शौक बचपन से था जी। मेरी जो पैदाइश है वो कस्बे सोपोर से है। अच्छा। तो वहाँ पर बचपन से मुझे शौक़ था पेंटिंग करने का, लेकिन ऐसे कोई उस्ताद और ऐसे कोई मौके नहीं मिले जहाँ मैं इस पर कोई और काम कर सकूँ। तो फिर जो आपके सिलसिले में मैं पहले तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल की सोपोर से, ग्रेजुएशन किया, फिर MBA मैंने बेंगलोर से किया। तो आपने मतलब फाइन आर्ट्स की कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं सेल्फ टॉट हूँ, एक हिसाब से कहेंगे मैं अनपढ़ हूँ आर्ट में। तो आर्ट के सिलसिले में मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की। तो बचपन में मैं स्केच वगैरह बनाता था। मेरे वालिद साहब पेशे से इंजीनियर, वॉज अ वेरी ब्रिलियंट इंजीनियर, तो ही यूज़ टू एनकरेज मी टू ड्रा कार्टून्स। तो मुझे याद है कि जो अखबार आता था श्रीनगर टाइम्स, उसमें कार्टून आता था बशीर अहमद बशीर साहब, तो वो मैं बनाता था रोज़। तो मुझे लगता है वो मेरे पहले उस्ताद है। सो आई वुड ड्रा पोर्ट्रेट्स, आई वुड ड्रा जैसे स्केच, कैरिकेचर्स, मे बी सम मैप्स, माय फादर वुड मी टू हेल्प हिम, सो आई वुड डू दिस एंड ही यूज्ड टू एनकरेज मी। अच्छा। तो इन ग्राउंडों से बाद में तालीम के सफ़र में और रोज़गार के सिलसिले में मैं कभी फिर दिल्ली, बेंगलोर और फिर सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में रहा जी, मैं जी, बिटवीन बहरीन, दुबई, सऊदी अरबिया, ऐसा मेरा काम था मार्केटिंग। सो आई वाज वर्किंग इन ब्रिटिश कंपनी, तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्सपर्ट जी, जी। तो वहाँ पर, और मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी रहा, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स देता था वगैरह। तो फिर ये जो दबी हुई मेरी ख्वाहिश थी, ये फिर अंदर ही अंदर इसने शोर मचाना शुरू किया। तो मैंने फिर वहाँ पर, चूँकि आर्ट की मटेरियल की दुकानें बड़े बड़े ये सऊदी अरब में रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्ट प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स, मैंने फिर शुरू किया। तो उस वक्त वो फिर जुनून की हद तक वो आ चुका था, और मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, जो मैंने पहले ऑयल में ही बनाया, ऑयल पेंटिंग्स। तो दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और कोलीग्स ने बहुत पसंद किया वो, और तो बिल्कुल कोई तालीम नहीं थी तब तक, बिल्कुल सेल्फ ट्राइस में। मैं कहता हूँ इस्तेमाल करना है तो तिबले मकतब भी नहीं जिसे कहते हैं कि तो ये, लेकिन शौक सिर्फ पता था पेंटिंग। 2012 से काम शुरू मैंने किया, और फिर जब वहाँ पर मैं बनाता गया बनाता, तकरीबन तब से आज तक मैंने 500 पेंटिंग्स बनाई है। सो फिर सऊदी अरब में मैं पार्टिसिपेट किया, वहाँ सऊदी रॉयल कमीशन, वहाँ फेस्टिवल्स होते थे, फ्लावर फेस्टिवल, सो दे यूज्ड टू इनवाइट मी। मतलब फ्लावर फेस्टिवल एक होता है, वो वहाँ पर फिर आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, वो यम्बो एक एरिया है, तो वहाँ पर एक
बड़ा ही होता है 10-15 दिन का, जैसे यहाँ ट्यूलिप गार्डन है वैसे लाइव में पेंटिंग्स बनाता था, उनको बड़ा पसंद आता था यहाँ के जो कश्मीर के मनाजिर में बनाता था, जैसे डल का हो, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हो, दरख पेड़ हो, चिनार हो, पाइन ट्रीज हो, बड़ा उनके लिए नया हो, बड़ा वो वीडियोज लेते थे, फोटोग्राफ लेते थे, वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। ये चलता रहा। तो फिर उन्हीं दिनों में जब भी मैं फिर वैकेशन में कश्मीर आता था तो मैं अपनी ये कलेक्शन साथ लाता था जी। और यहाँ पर फ्रेम वगैरह करके मैंने फिर अपने खर्चे पर ऑर्गेनाइज किए एग्जीबिशन जी। और आज तक मैंने 4-5 सोलो एग्जीबिशन करे। 2018 अगस्त में मैंने एग्जीबिशन किया एसपी कॉलेज श्रीनगर में, तो जिसका थीम था ट्रिब्यूट टू शहर खास। चूँकि ये जो मुझे बहुत ये पुराना जो आर्किटेक्चर है ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, और मेरे फादर भी पेशे से सिविल इंजीनियर थे, तो ही यूज्ड टू टेक मी अलॉन्ग विद हिम टू खानका शरीफ और नमाज। उन दिनों मुझे उतनी रगबत नहीं थी मस्जिद से, तो मैं बोर ही होता था, लेकिन बाद में फिर मैं उनके वफात के बाद वही मनाजिर बनाता रहा खानका शरीफ। ये सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, जो वहाँ का पुराना डब है जी, 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 ये आर्किटेक्चर पसंद है, तो इसको मैंने एक सीरीज बनाया, उसको मैंने खराज अकीदत पेश किया शहर खास को, ओल्ड टाउन जिसको हम शहर खास कहते हैं। तो उसमें से ओवैसी साहब का स्थान जहाँ आपने देखा होगा, वहीं पर हमारा पुरुषियार मंदिर भी है जी, उसको भी मैंने बनाया। बहुत बढ़िया। तो बल्कि वो एक किसी ने खरीदी, वो लंदन में रहते हैं। अच्छा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो पेंटिंग सारी। तो ये अब सिलसिला, ये जो मेरे दिल के बड़े करीब है जी। तो अब मैं इसमें अब साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर भी ले जाऊँ। नॉर्थ कश्मीर थोड़ा मैंने कवर किया है जी। और जो शाह हमदान साहब जहाँ जहाँ उनने गए ज़ियारतें की सूरत में जो भी प्लेस बनाई है, वो अच्छी जगहों पर उनका लोकेशन है, वो पुराना आर्किटेक्चर वो मैं बनाना चाहता हूँ उसको अपने हिसाब से। मतलब आप ट्रैवल करते हैं, फिर लाइव पेंट बनाते हैं? हाँ, लाइव भी बनाता हूँ जी, लाइव भी बनाता हूँ लाइव। और यहाँ पर जैसे कभी कई उसको कहते हैं प्लीन एयर पेंटिंग, वाटर कलर में हमें बड़े सेशंस हमने किए हैं जी, लाइव पेंटिंग्स के भी। तो इवेंचुअली आपने जो टेक्निकलिटीज इसकी सीखी, बारीकियाँ सीखी पेंटिंग की, वो आपने उनके लिए कोई क्लासेस ली, ऑनलाइन आपने क्लासेस लिया, कैसे आपकी शुरुआत? कोई क्लास मैंने नहीं ली, मुझे सिर्फ यही जो मुझे एक पेंटिंग बनाई, लेकिन बेसिक्स पर काम करता रहा, हिट एंड ट्रायल, ऐसे में सीखता रहा खुद ही सीखता रहा। और काफ़ी इस दौरान चूँकि मैं सोचा मैं था, वहाँ इंटरेक्शन नहीं था आर्टिस्ट से, फिर यहाँ आके मुझे कुछ फ्रेंड्स जैसे जावेद इकबाल है, रऊफ क्यासी, एक बच्चा साहब है, जोर जरगर साहब, उनसे मुलाकात, जो ही मैं आता था मैं कोशिश करता इन लोगों से मिलूँ, फिर हम आर्ट डिस्कस करते थे और कुछ टिप्स लेता था मैं, कुछ शेयरिंग होती थी, तो उससे भी काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। आगे आपको क्या फ़ायदा हुआ उसके हवाले से बात करेंगे, यहाँ पर हम पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इफ्तिखार साहब के साथ गुफ्तगू जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बातें चल रही है मशहूर आर्टिस्ट इफ्तिखार साहब से। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि इस दौरान जब आप बाहर थे, गल्फ में थे, यहाँ पे आपने अपना जो अंदर का एक आर्टिस्ट है उसको डिस्कवर कर लिया था, लेकिन एट द सेम टाइम यू वर वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी जी, जी। तो कैसे बैलेंस कर पा रहे थे आप वो आर्ट जो आपने रिसेंटली अपने अंदर डिस्कवर किया था, वो आग, और उस एमएनसी की जॉब को? जी जी, देखिए ऐसा था, तो बिजी लाइफ तो थी बहुत, हम सुबह निकलते थे काम 8 बजे, फिर वापस आते थे, लेकिन वहाँ वीकेंड्स होते थे हमें 2 डेज ऑफ। तो चूंकि वहाँ पर अभी विजुअली तो वहाँ पर सहरा है जी, कोई ये नहीं, तो मैं जो अपने आप को जो ये मेरी पेंटिंग्स थी जी, चूंकि मैं कश्मीर आपको पता है कितना हमारा ये पोइटिक और रोमांटिक एटमॉस्फेयर यहाँ है, यहाँ पर जितने भी पेंटर निकले, जितने भी शायर निकले कम है इस ब्यूटी को इसको इस पर अप्रिशिएट करने के लिए, इस पर अशार लिखने के लिए, इस पर पेंटिंग्स बनाने के लिए जितना भी काम हो जितने। तो वहाँ पर मैं फिर जो वैकेशन में मैंने कुछ तस्वीरें ली होती थी या मैं खुद देखता था, तो फिर मैं उसी दुनिया को कश्मीर को लाता था अपने, वहाँ छोटा सा एक स्टूडियो भी रखा था मैंने, तो वहाँ पर मैं इस पर काम करता था, कोई ट्यूलिप गार्डन बनाया, कोई चार चिनारी, और यहाँ के जो चिनार हैं, पेड़ है, मेडोज़ हैं,
इनको बनाता था और मैं भी एंटरटेन और खुश हो जाता था, खुद में इसमें काफ़ी प्लेजर हासिल करता था। तो वहाँ पे जो एक कश्मीरी डायस्पोरा था, लाइक एक कश्मीरी जो इनकी कम्युनिटी थी, वो आते थे आपके एग्जीबिशन? सब आते, क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिटी होती है, फिर हम क्लोज हो जाते हैं, तो सब आते थे बच्चों के साथ, और जो भी मैं कोई काम करता था वो देखने के लिए ज़रूर आते थे। हाँ, इस तो, और बाकी जो कश्मीर जो बाहर भी हैं उनके फ्रेंड्स कुछ खरीदते भी थे, ये भी था, लेकिन मेरा इसका नहीं था मतलब बिजनेस का, ये तो ये था कि मैं बना रहा हूँ एंड इट गिव्स जस्ट गिव मी इमेंस इमेंस प्लेजर। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते होंगे इफ्तिखार साहब की बड़ा लेट स्टार्ट किया यार, तो उनके लिए क्या कहना है? बस इसमें ये तो एज इसमें अपने आप से ये मतलब ये, क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई काम किसी भी स्टेज पर हो सकता है, इसमें कोई एज की कैद नहीं है, तो आदमी कभी भी जिसका कोई पैशन हो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो लिखना शुरू करते हैं आफ्टर 60, या कुछ राइटर्स हैं या पेंटर्स हैं, कुछ बड़े ये करते हैं, अब बचपन से जिसका अब मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर है। कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको, मतलब कठिनाइयां जब हम बात करते हैं मुश्किलों का, वो ये है कि लाइक ऐसे फॉरेन कंट्री में थे आप, कवरी थी आपने उस पैशन को ढूंढने की, और किस तरीके की मुश्किलात आए उस टाइम पे अपने इस आर्ट को जिंदा रखने की आपके अंदर? बस ये टाइम का ही था, उन दिनों टाइम का था, होता था मसला, ये ऐसी छोटी छोटी उतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं थी, टाइम का ही इसे हम फाइट करते थे कि उधर से एक जुनून है, उधर से टाइम की पाबंदी है, अपने काम है, मैं उस कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी था, वो वहाँ थे, एक तरफ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में जाना, विजिट करना, प्रेजेंटेशंस देना, मार्केटिंग, ये वो, तो फिर इस दुनिया को भूल के फिर आर्ट की दुनिया में आना, तो आदमी बड़ा ही सुकून मिलता। तो फिर आपने प्रोफेशनली यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट? ये प्रोफेशनली ये है, मैं अपना एक थोड़ा छोटा सा बिजनेस भी है जी, और इस पर भी हम ये एक शौक है, इसको भी जारी रखे हुए हैं, इसको तो छोड़ना नहीं है, दिस इज ये तो एक गजा है रूह की, आई कैन नॉट डू अवे विदाउट इट, सो आई शुड बी पेंटिंग आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 month, इन 1 month, सो आई एम कंटिन्यूसली, ये एक रिट्रीट है मेरे लिए, एक कैथेरेसिस है मेरे लिए। कोई पर्टिकुलर किस्म की पेंटिंग्स हैं जो आप पसंद करते हैं बनाना? लैंडस्केप्स ही मैं बनाता हूँ, और ओल्ड आर्किटेक्चर, हेरिटेज, कल्चर जी, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, किया है और आगे भी इसको आगे बढ़ाऊंगा। कोई खास वजह रहती है? बस ये क्योंकि रहा है, क्योंकि आधा मैं रूरल साइड से हूँ तो वो जहन में है, और फिर यहाँ पर श्रीनगर में रहते हुए यहाँ का ओल्ड आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है, तो उसको मैं हेरिटेज, ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अगर कोई बाहर वाला देखे हमारे जो कश्मीर में, हमें वी हैव टू वर्क टू कीप अवर कल्चर अलाइव, जो जितना भी हम कल्चर को अपने इस पर इसमें आबियारी करेंगे, इसको काम करेंगे, तो उतना हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे कश्मीर की ब्रांड के लिए बेहतर है, क्योंकि कल्चर सोसाइटीज आर नोन बाय इट्स आर्ट कल्चर म्यूजिक, जितना ये स्ट्रांग हो उतनी आपकी इज्जत दुनिया में ज़्यादा होती है और लोग इसमें अप्रिशिएट करते हैं। अक्सर देखा है एक आर्टिस्ट जो है नॉस्टैल्जिया जो है उसमें जीता और कहीं ना कहीं फिर अपने आर्ट के थ्रू उस नॉस्टैल्जिया को बाहर लेके आता है। देखिए ये तो एक खसूसियत है आर्ट की, इसमें आपको एक थोड़ा सा पावर मिलता है टू डू समथिंग, चाहे पुराना कोई ख्याल दिल में हो उसको हम कैनवास पर उतार, कोई नया ख्याल आए या अराउंड कुछ देखे तो हमें ये फ्रीडम होता है, क्योंकि जैसे किसी ने कहा था वी कैन मूव माउंटेन्स, करेक्ट, ये दिखाएं जो भी हमें क्रिएटिव लिबर्टी है उसको हम यूज करके उसको दिखा सकते हैं कैनवास पर। अच्छा ये बताएं कि क्या फ़र्क है, आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जी जी, क्या फ़र्क रहता है कि अगर आप एक, हम ये कह सकते हैं ना सिंपलर वर्ड्स कि एक इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ और एक फ्री हैंड जिसका है जो सेल्फ टॉट है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कई सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जी बहुत कमाल का काम है उनका, जी मतलब बहुत कमाल का, टीचिंग लेवल बोल दीजिए जी जी जी। सेल्फ टॉट
थोड़ा फ्री होता है जी, क्योंकि उसने कोई रूल नहीं सीखा होता है, उसके कोई बेसिक्स भी नहीं होते, वो अपनी मंजिल खुद ही तलाश करता है और खुद ही ट्राई करता है और कुछ मुझे लगता है ज्यादा क्रिएटिव चीजें वो बना पाता है। इज दिस अ प्रो और अ कॉन? नहीं नहीं नहीं, कुछ दोनों में ये है, सिर्फ बेसिक है जुनून, जिसमें ये करने का जुनून हो, शौक हो, चाहे वो क्लासरूम में बैठे उसको 10 टीचर वहाँ आठ के पढ़ाए, उसको कोई शौक ही नहीं है तो क्या बनाएगा। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि कॉलेज ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जितने आर्ट के कॉलेज हो, जितने इसमें इंस्टीट्यूट्स हो और डेवलप होता है। डिजिटल पेंटिंग्स का एक दौर आया है जी, क्या लगता है आपको कितनी इम्पोर्टेंट है डिजिटल पेंटिंग्स? ये सब चीजें जितना भी आर्ट वर्क हो, जिसे दुनिया चेंज तो होती रहती है, चेंज को हम मना नहीं कर सकते जी, चेंज को होने देना चाहिए जी, डिजिटल आर्ट आए और अपना काम करे, क्योंकि डिजिटल वी नीड डिजिटल आर्ट जी, एडवर्टाइजिंग में, बाकी जगहों पर जी। आजकल लोग वो क्या कहते हैं उनको, तो उसकी बनाते हैं लोग वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, वो उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, करेक्ट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये तो आपको लगता है स्कोप है सर, हम हर चीज में इसमें स्कोप है, बट वी हैव सीन हियर अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं एक सिनिकल माइंडसेट के साथ चल रहे हैं इस वक्त, और वो जो रुझान है आर्ट की तरफ वो बहुत कम है ना। मुझे लगता है कल ही मैं था अभी एक गेस्ट के तौर पर सोपोर में एक आर्ट कैंप मुनक्कद हुआ, मतलब एक एग्जीबिशन हुआ, बट मैंने देखा, आई वाज सो हैप्पी, कश्मीर इज ओवरफ्लोइंग विद टैलेंट, इतना स्केच और क्रिएटिविटी और सब चीज, बस ये दे आर यू नो, जो कि बहुत अच्छी चेंज, बहुत ही अच्छी चेंज है, करेक्ट, सो वेंट आउट योर एक्सपीरियंस, वेंट आउट एक्सपीरियंस, देखिए कोविड आया और आजकल देखिए मोबाइल का दौर है, स्क्रीन टाइम, लोग वी आर ग्लूड टू द यू नो दिस मोबाइल्स, इसको निकालने के लिए, इससे निकलने के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं, आर्ट एग्जीबिशंस हो, फनून लतीफा में काम हो, म्यूजिक हो, पोइट्री हो, ताकि हम थोड़ा सा इस पर ज्यादा बच्चे टाइम स्पेंड ना कर पाए, तो ये पेंटिंग एक अच्छी चीज है, इसमें आप कितना विजुअल पोल्यूशन है दुनिया में, तो आप पेंटिंग देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं, कुछ देर के लिए उसमें खो जाते हैं, तो इट गिव्स इट अपने इस पर सेंसेस पर बड़ा असर पड़ता है। आजकल तो आर्ट थेरेपी भी आ चुकी है, ताकि हम ये अपने मेंटल इसको स्ट्रॉन्ग करें, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। बस हमारी जो प्रोग्राम है उसका आखिरी जो है सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आप समझ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बातें चल रही है इफ्तिखार साहब से। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट है क्रिएटिवली जो आर्ट है इसको फिर और स्ट्रॉन्ग करना, फाइन ट्यून करना? जी, ये तो क्रिएटिव होना, उसको कहिए इमेजिनेटिवली स्ट्रॉन्ग होना, खा कितना भी ये तखयल हो, कितना भी आदमी में जमालियाती हिस हो या तखलीकी लिहाज से वो मजबूत हो, लेकिन इन सब चीज़ों को कैनवस पर उतारने के लिए यू हैव टू नो द स्किल, यू हैव टू नो द बेसिक्स, एंड यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड ऑफ इट, तब जाके ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सब आप कैनवस पर उतार सकते हैं, व्हेन यू नो द प्रोसेस एंड सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ग्राइंडिंग योरसेल्फ, कैसे रिजुवेनेट करते हैं आप अपने आप को, सो काइंड ऑफ ग्राइंडिंग योरसेल्फ, मेकिंग योर मास्टरपीस, उसके बाद आप स्नैप आउट कैसे करते हैं और दूसरी तस्वीर? असल में ये तो उसका जवाब ये है, ये जो इसका ग्राइंड है और इसका जो तकलीफ है, वही इंसान की दवा भी है। अच्छा, यानी कि इसकी जो तकलीफ है उससे हमें प्लेजर मिलता है, खासकर मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, और इसका जो रियाज है, इसका जो ग्राइंड है, उसको प्रोसेस पर जाने के बाद मैं खुद रिलैक्स और ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता हूँ। तो एक फॉर्म ये भी होता है कि आप म्यूजिक बनाते बनाते पेंट करते हैं, स्ट्रोक्स करते हैं, बिल्कुल, तो आप म्यूजिक में टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं? मैं देखता हूँ, म्यूजिक में मुझे दिलचस्पी है, फिल्मों में मुझे दिलचस्पी है, हर एक मतलब चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, ड्रामास हो, ऑल दीज थिंग्स आई वॉच एंड आई अप्रिशिएट, पोइट्री हो,
तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और इसका भी असर पड़ता है। लेकिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती। ओनली इफ देयर इज टाइम ऑफ अजान देन आई विल ब्रेक एंड प्रे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ लोग, बहुत से मेरे जो बेटा है या माय मिसेस, दे कम गो, वो कहते हैं हमें आए थे आपने देखा ही नहीं। फैमिली का कैसा रिएक्शन है, मतलब हाउ इज योर सन? वो बहुत ही उनको पसंद आता है। पहले तो क्योंकि अब वो समझते, कोई डिस्टर्ब नहीं करते चीज़ों को, और उनको पता है कि ये पेंट क्या है, बेसिक्स वो भी सीख गए हैं। जी, लेकिन उनको मैं भी सिखाता नहीं, वो सोहबत में वो आप पिक कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जी जी जी। खैर साहब, ये बताइए कि अभी जो है बहुत सारे लोग जो है यंगस्टर्स हैं, उन्होंने सीखा नहीं है, दे नॉट लाइक दे लाइक यू सेल्फ टॉट, लेकिन कहीं ना कहीं इनहिबिशंस और डर है कि अगर हम देख करेंगे तो कुछ गलत ही ना हो। हाँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बी ब्रेव, कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई धमाका नहीं होने वाला। पेन, टेक योर कैनवस, टेक योर कलर्स, बी ब्रेव, स्ट्रोक लगाओ, करो, गंद फैलाओ, रंग फैलाओ। जैसा एक किसी कंप्यूटर वाले ने कहा, पीपल आर अफ्रेड टू क्लिक, तो क्लिक होने से कोई उसमें कोई ब्लास्ट नहीं हो जाएगा कंप्यूटर। सो बी ब्रेव इन एक्सपेरिमेंटिंग एंड एल्डर्स ऑल्सो शुड एनकरेज इट। सो उसके भी उनका भी आजकल, क्योंकि बच्चे भी टेंस होते हैं, इसकी वजह से तालीम का प्रेशर है, कोर्स भी ज़्यादा है, यानी मैंने कंटेंट जो है ना सिलेबस का भी ज़्यादा है। तो इफ दे कम आउट ऑफ इट और मोबाइल से दूर रहें, इसमें कलर करें, कुछ करें, तो बहुत बड़ा अच्छा है एक पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। इफ्तिखार साहब, आर्ट जो है, आपको लगता है कि पर्टिकुलरली आपके आर्ट से एक सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा है, भले वो चंद लोग ही क्यों ना हो? जी, उसके मैं एक ताज़ा तरीन मिसाल मुझे लगता है कल की, उसी में इसका जवाब होगा। मैं कल आज से अपने, मेरे जो अंकल है, फूफा है, सोपोर में एक इवेंट था, तो उनको मैं, उनकी ही ज़ईफ है, तो उनको आयादत के लिए मैं गया, तो बट ही नोज दैट आई एम एन आर्टिस्ट। तो उनने कहा आपने कोई खाका बनाया है? खाका मुझे समझ में, खाका ही वॉन्टेड। तो मैंने उनको दिखाई मोबाइल पर जो एक दो पेंटिंग्स, उनके पास मेरी पेंटिंग एक है जो को देखते रहे, तो उसमें था एक चार चिनारी की पेंटिंग, उसने कहा इसका बड़ा हो सकता है। तो उस वक्त वो दो दिन बाद उन्होंने बात की थी, उनके चेहरे पर जो उनकी आंखों में जो मैंने चमक और उनकी आवाज़ में जो खनक थी, जो तस्वीरें मैंने दिखाई, वो मेरे लिए आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो मुझे लगा बहुत ही, मतलब ये मेरा एक रिवार्ड था, किसी भी आवाज से कम। तो उनका जो एक्सप्रेशन था, जो खुश हुए, हालांकि वो मोबाइल से उस वक्त देखी तस्वीर। खैर, मन तो कर रहा है गुफ्तगु जारी रहे, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी रहती है। उम्मीद करेंगे कि आपके आने वाले आर्ट एग्जीबिशन में हम लोग आए। बिल्कुल वेलकम, और आप और ज्यादा पेंटिंग्स बनाए और ज्यादा रंग बिखेरे लोगों की जिंदगियों में, और अपने कैनवस पे हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सरोज साहब, आपका जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं और ऐसे काविशें करते हैं ताकि हमारे आर्ट कल्चर में फरोग मिले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कश्मीर को लाता था आपने, वहाँ